नमो नमः विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं संस्कृत विषय BA पार्ट थर्ड में। और जो संस्कृत विषय है विद्यार्थियों, उस संस्कृत विषय में जो प्रथम प्रश्न पत्र है BA पार्ट थर्ड का, जिसका नाम है भारतीय दर्शन एवं व्याकरण। तो यह जो प्रश्न पत्र है भारतीय दर्शन एवं व्याकरण, इस प्रश्न पत्र में संस्कृत भाषा में कुछ व्याख्या आती हैं, दो व्याख्याएं, जिसमें एक व्याख्या तो आपकी तर्क संग्रह से आती है और एक संस्कृत की व्याख्या आपकी इससे आती है, भगवत गीता से। अब भगवत गीता की एक संस्कृत व्याख्या हम करेंगे कि आपको कैसे करनी है। तो देखिए, जब कोई भी हम व्याख्या करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, उसका संदर्भ। तो देखिए, संदर्भ है, आप सबसे पहले लिखेंगे संदर्भ, इसको रेखांकित कर देंगे और इसके आगे विसर्ग लगा देंगे। फिर देखिए, यहां आप विवरण चिन्ह लिखेंगे और फिर आप लिखेंगे, देखिए यहां से प्रस्तुत अयम पद्य, क्या लिखेंगे, प्रस्तुतो अयम पद्य। श्रीमद् भगवद् गीताया द्वितीय अध्यायाद अत्र अवतरितो अस्ति। क्या लिखेंगे, प्रस्तुतो अयम पद्यः श्रीमद् भगवत गीताया द्वितीय अध्यायात् अत्र अवतरितो अस्ति। यह तो क्या हो गया विद्यार्थियों, संदर्भ कि प्रस्तुत यह पद्य श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय से यहाँ पर अवतरित है। फिर लिखेंगे प्रसंग, प्रसंग में लिखेंगे विद्यार्थियों किस प्रकार से लिखेंगे, प्रसंग में इस पद्य में, तो आप लिखेंगे पद्य अस्मिन्, इस पद्य में भगवान श्री कृष्ण अर्जुनम कर्मं वर्णयन् कथयति
यस। इस प्रकार से विद्यार्थियों जैसे प्रसंग है इसके सामने की लाइन खाली छोड़ देंगे, फिर नीचे से लिखेंगे पद्ये अस्मिन्, इस पद्य में भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण अर्जुनम कर्मम वर्णयन कतेति, अर्जुन को कर्म का उपदेश देते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं यह आगे व्याख्या हम पढ़ेंगे। विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, अब आप इस पद्य की व्याख्या लिखेंगे। देखिए आप लिखेंगे व्याख्या, ये जो व्याख्या शब्द है आकारांत है विद्यार्थियों, तो इसलिए इसमें विसर्ग नहीं लगते हैं, रमा की तरह रूप चलते हैं। और देखिए यह आपका वह लग जाएगा विवरण चिन्ह, फिर लिखेंगे आप लिखेंगे श्री कृष्ण अर्जुनम उक्तम यत के अर्जुन त्वम संगम त्यक्त्वा कर्माणि करोषि। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि श्री कृष्ण उक्तम, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है या कहा, उक्तम यत हे अर्जुन, कि हे अर्जुन तुम संगम त्यक्त्वा कर्माणि करोषि, के आसक्ति को त्याग कर कर्मों को करो। और फिर क्या कहते हैं भगवान, आप योग कर्माणि करो तो सिद्धे असिद्धे स
हम रुके हैं। व्यवहारे व्यवहारे कर्मं कुरु के सिद्धि आप योग स्थित होकर के योग में स्थित होकर के कर्मों को कीजिए, क्योंकि सिद्ध असिद्धि समयोग सिद्ध असिद्धे और समरूपेण व्यवहारेण कर्मम करो कि समान रूप से व्यवहार के द्वारा कर्मों को कीजिए और श्री कृष्ण उक्तम समत्वम योगुच्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि समत्व को योग कहा जाता है, अर्थात लाभ हानि सुख दुख जय पराजय। समत्वम कर्माणि कुरु समत्वं एव योगुच्यते। और देखिए इस प्रकार से विद्यार्थियों आपकी संस्कृत व्याख्या हो जाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए फिर क्या होता है विशेष, फिर आप विवरण चिन्ह लगा देंगे और विवरण चिन्ह लगा के बाद फिर देखिए आप वर्ण गिनिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
13, 14, 15, 16 दूसरे में देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 सब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तो आपको पता है प्रथम जो पंक्ति है उसमें 16 वर्ण है, द्वितीय जो पंक्ति है उसमें 16 वर्ण है, तो कुल मिलाकर के कितने हो जाते हैं 32 वर्ण। और जब 32 वर्ण हो जाते हैं तो फिर जो 32 वर्ण हैं उन 32 वर्णों में जो छंद बनता है वह कौन सा है विद्यार्थियों? अनुष्टुप छंद। देखिए नंबर एक डालेंगे आप विशेष, देखिए आप लिखेंगे अस्मिन् पद्ये अनुष्टुप छंदः अस्ति। क्या लिख लेंगे? अस्मिन् पद्ये अनुष्टुप छंदः अस्ति। दूसरा लिख देंगे पद्ये अस्मिन्, एक ही बात है विद्यार्थियों, पद्ये अस्मिन् श्री कृष्णः, श्री कृष्णेन कर्मवादं भुक्तं तीसरा है श्री कृष्णे योगं गच्छयन् श्री कृष्णः योगं गच्छयन् कथयति योगः करं सुकौशलम् योगः कर्मसु कौशलम्। तो देखिए पहली पंक्ति लिखा हमने अस्मिन् पद्ये अनुष्टुप् छंदः अस्ति, फिर लिखे पद्ये अस्मिन् श्री कृष्णेन कर्मवादं उक्तं और श्री कृष्णः योगं रचयन् कथयति यत् योगः कर्मसु कौशलम्। पतञ्जलिना
अभी उक्तम। योगः चित्तवृत्ति निरोधः। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों के एक जो व्याख्या आती है हमारी तर्क संग्रह में आती है, तो जो हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण है उस पे करेंगे हम। देखिए अब देखिए एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, और जो प्रत्यक्ष प्रमाण है जैसे अनुमान है मान लीजिए, तो अनुमान जो प्रमाण है अनुमान पे ही आज हम मान लीजिए व्याख्या लिख लेते हैं, अनुमान प्रमाण आ जाता है आपके। तो आप सबसे पहले ठीक है, ये जो पैराग्राफ है जो गद्य है उस गद्य को आप पढ़ लेंगे, और उस गद्य में से जब हम संस्कृत व्याख्या बनाएंगे तो देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे संदर्भ। क्या लिखेंगे? संदर्भ, और फिर विवरण चिन्ह। ठीक है, अब गद्य है तो आप लिखेंगे गद्य अस्मिन्, क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? गद्य अस्मिन्। अन्नम भट्ट क्या कहते हैं? गद्ये अस्मिन् अन्नम भट्टः। अनुमिति यथार्थानुभवम्
ये विद्यार्थी हमारा संदर्भ है, संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत अयम गद्य अन्नम भट्ट विरचितात् अन्नम भट्ट विरचितात् तर्क संग्रह इति ग्रंथात् अत्र अवतरितो अस्ति। प्रस्तुतो अयम् ग्रन्थः अन्नम् भट्ट विरचितात् अन्तर्क संग्रह इति ग्रंथात् अत्र अवतरितो अस्ति। फिर उसके बाद प्रसंग लिखते हैं और आप लिखेंगे प्रसंग विसर्ग लगा देंगे, इसको रेखांकित कर देंगे, फिर यहाँ हट के थोड़ा सा दूरी पे विवरण चल लगाएंगे। फिर लिखेंगे आप लिखेंगे गद्ये अस्मिन्, इस गद्य में अनुमान वर्णयन अन्नम भट्ट कथयति यत् आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब लिखेंगे विद्यार्थियों हम व्याख्या। इसको रेखांकित कर देंगे और रेखांकित करने के बाद इसके बाद कोई विसर्ग नहीं लगते क्योंकि यह आकारांत है
और जब यह आकारांत है तो इस पर कोई विसर्ग नहीं लगेंगे। फिर आप लिखेंगे, देखिए यहाँ विवरण चिन्ह लगा के आप लिखेंगे अन्नम भट्टे तर्क संग्रह ग्रंथे द्रव्य गौण कर्म सामान्य डैश सब में लगाना है विद्यार्थियों आपको। अन्नम भट्टेन क्या है? अन्नम भट्टेन तर्क संग्रह ग्रंथे द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव इति सत्व पदार्था तेषु मध्ये तेषु मध्ये चतुर्विंशति वर्णन प्रसंगे यथार्थ यथार्थ नु भवान भवानां वर्णनम अस्ति अन्नम भट्टे उक्तम तद्वति तत्प्रकार को तद्वति तत्प्रकार को अनुभवो यथार्थः यथा
रजति इदं रजतम् इति। देखिए आपने पढ़ा है विद्यार्थियों, देखो मैंने क्या लिखा है, अन्नम भट्टेन तर्क संग्रह ग्रंथे द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष संवाया संवाय अभावः इति सप्त पदार्थाः उक्तम् तेषु मध्ये चतुर्विंशति गुणाः सन्ति और गुणानां वर्णन प्रसंगे अनुभवस्य वर्णनम् अस्ति। अन्नम भट्टेन उक्तम तद्वति तत्प्रकार को अनुभवो यथार्थः यथा रजते इदम रजतम्, आपने पढ़ा हुआ है इति। यथार्थानुभवः यथार्थानुभवस् चतुर्विधः तत्कारणं अपि चतुर्विधम् अस्ति। यथा अनुमान प्रत्यक्षानुमान उपमान शब्द भेदा। क्या कहते हैं, देखिए प्रत्यक्षानुमान उपमान शब्द भेदात् अनुमानम् वर्णयन् अनुमान लक्षयन कथयति अनुमिति करणं अनुमानं अनुमिति करणं अनुमानं। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम्
अलमितिः यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निरिति यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निरिति साहचर्य नियमो व्याप्तिः अनमतः अनुमानं द्विधा विभजति देखिए एक बार मैं इसको पढ़ देता हूँ। अन्नम भट्टेन तर्क संग्रह ग्रंथे द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावः इति सप्त पदार्थाः उक्तम् तेषु मध्ये चतुर्विंशति गुणाः सन्ति। गुणानां वर्णन प्रसंगे यथार्थानुभवस्य वर्णनम् अस्ति। अन्नम भट्टेन उक्तम् तद्वति तत्प्रकार को अनुभवो यथार्थः यथा रजते इदं रजतम् इति यथार्थानुभवः चतुर्विधः तत्करणम् अपि चतुर्विधम् अस्ति। यथा प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्दभेदात् अनुमानं लक्षयन् अन्नं भट्टः कथयति यत् अनुमितिकरणम् अनुमानं व्याप्तिविशिष्टपच्छतरन्ताज्ञानम् अनुमितिः यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निरिति साचरण्यमु व्याप्तिः। अन्नं भट्टः अनुमानं द्विधा विभजति के स्वार्थानुमानम परार्थानुमानम चैति। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब देखिए अब आगे आप कहेंगे स्वार्थानुमानम स्वार्थानुमानम स्व प्रतिपत्ति
केतुः यानी जो स्वार्थानुमानम है वह स्वाप्रतिपत्ति हेतु है। कश्चित् पुरुषः पर्वत समीपं गच्छति तदा तत्र धूमलेखां पश्यति धूमलेखां पश्यति तदनन्तरं व्याप्तिं स्मरति यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निरिति उसके बाद वह व्याप्ति को स्मरण करता है जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है और उसके बाद तत्र पर्वते अग्निना अस्ति इति ज्ञानम् तस्य करणं अनुमानं परार्थानुमानं यदा कश्चित् स्वयं धूमात् अग्नि यदा कश्चित् स्वयं धूमात् अग्निं ज्ञात्वा परं बोधयितुं पञ्चावयव वाक्यान् प्रयुक्ते
पर्वती अग्निः अस्ति पर्वती पर्वती अग्निः अस्ति इति प्रतिज्ञा धूमत्वा इति हेतुः यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः यथा महानसे इति कारणम् तथा चयम् इति उपनय तस्मात् तथेति च निर्माण यह विद्यार्थियों आपके लिए अनुमान प्रमाण की संस्कृत व्याख्या हो गई। अभी हम लिखेंगे विशेष, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विशेष क्या बात है, आप लिखेंगे देखिए अनुमान विषय तर्क भाषायां
केशव मिश्रेण अपि उक्तम्। लिंग परामर्शो लिंग परामर्शो अनुमानम्। सांख्य कारकायां सांख्य कारकायां ईश्वर प्रश्ने अपि उक्तम्। लिंग लिंगी पूर्वकम् अनुमानम् फिर विद्यार्थी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद जो आपने वीडियो को देखने के लिए समय निकाला।